देखिए हम मौजूद हैं उसी जगह जहां पर अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए तकरीबन रात 10 बजे लाया गया था। ये वही वो सड़क है, आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, ये वही सड़क है जहां से अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में यहां पर लाया गया था, आप देख सकते हैं। और ये वही वो कॉल्विन हॉस्पिटल है जहां पर गाड़ी यहां पर रुकती है और उसके बाद इसी रास्ते से अतीक और अशरफ दोनों अंदर जाते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वैसे ही ये वही जगह है जहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां पर बैरिगेटिंग जो है वो लगा दिया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और तीन जो है वो संख्या बताई जा रही है, जो हत्या के जो आरोपी हैं वो तीन शख्स थे जो यहां पर मौजूद थे और उन्होंने सर पर गोली मारी। पहली गोली जो है वो अशरफ को मारी थी और उसके बाद पहली गोली अतीक और उसके बाद अशरफ को मारी थी। और उसी के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर जो खून के जो धब्बे हैं, जो स्पॉट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी वो यहां पर काफ़ी भगदड़ भी हुई थी, एक कैमरा माइक आईडी भी यहां पर थी और अब यहां से जो चीज़ें हैं फॉरेंसिक टीम जो है वो यहां से चीज़ों को लेके गई है। और यही वो अस्पताल है जहां पर अशरफ और अतीक का मेडिकल कराने के लिए यहां पर लाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि जब पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ है तब उस दौरान ये इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई और बेखौफ होकर के जो तीनों जो आरोपी हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, हत्या को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। और सबसे पहले जैसे ही अतीक और अशरफ मीडिया से रूबरू हो रहे थे उसी दौरान पहली गोली अतीक के सर पर मारी गई थी और जो दूसरी गोली है वो अशरफ के सर पर मारी गई थी। मतलब कि साफ तौर पर हत्यारों का ये पूरा प्लान था कि सर पर ही गोली मारनी है ताकि अतीक और अशरफ की मौत हो जाए। और फिर अगर हम उधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर उन हत्यारों को पकड़ा गया और वो लोग भी धार्मिक जो है नारे लगा रहे थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, मतलब कि इस जगह भी कुछ बुलेट्स जो हैं वो मिली थी, एक रिवॉल्वर भी जो है वो यहाँ से मिली थी। और इधर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी भारी संख्या में जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बाहर का आपको नज़ारा दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो दोनों तरफ सड़क की बात करें तो बैरिगेटिंग जो है वो लगा दी गई हैं। अगर हम और आगे चलें तो हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो एरिया है ये प्रयागराज का बताया जा रहा है कि सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है। सभी जो लोग हैं अगर हम इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सब अपना दरवाज़ा जो है खिड़की जो है सब बंद करके हैं। और उधर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर बैरिगेटिंग लगा दी गई है, मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति है वो उधर से इधर नहीं आ सकता है। हालांकि अगर वो प्रेस का है या फिर पुलिसकर्मी है तभी वो यहाँ पर आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और एक ये बड़ी वारदात जो है वो आज प्रयागराज में देखने को मिली है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अगर एक बड़ी वारदात जो प्रयागराज में देखी गई है वो आज के दिन देखी गई है। हालांकि अतीक ने इससे पहले भी यह आशंका जताई थी कि अगर साबरमती जेल से उसको उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी तो उसकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन आज पुलिस कमिश्नर ने इस पूरी वारदात होने के बाद 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। प्रयागराज के साथ साथ पूरे प्रदेश में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। और अगर हम सामने की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बैरिगेटिंग लगा करके इस पूरे इलाके को, पूरा जो इलाका है उसको यहां पर बैरिगेटिंग लगा करके बंद किया गया है, मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति है वो नहीं आ सकता है। हालांकि अगर मीडिया के कर्मी भी आ रहे हैं तो उनको आई कार्ड दिखाना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह दूसरे छोर पर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बैरिगेटिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और ये एक बड़ी जो घटना है प्रयागराज में, क्योंकि 8:15 बजे के आसपास अतीक और अशरफ दोनों को कसारी मसारी के जंगल में लेकर गया था जहां पर पिस्टल बरामद हुई थी। तकरीबन 55 से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी जो बुलेट्स होती हैं वो बरामद की गई थी और 10 बजे के आसपास उनको यहां पर लाया जाता है और यहां मेडिकल के लिए जैसे ही वो अंदर आता है वैसे ही ताबड़तोड़ जो 10 राउंड फायरिंग है वो की जाती है और उसी दौरान मौत हो जाती है। अतीक को सबसे पहले गोली मारी गई है, सर पर मारी गई है और उसके बाद अशरफ को
गोली मारी गई। हत्यारों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि शाहिस्ता परवीन जो है वो सरेंडर कर सकती हैं। हालांकि अभी कोई भी इसमें पुष्टि नहीं है कि अभी तक उन्होंने किया है कि नहीं किया है। ये जो है ये पूरा लाइव तस्वीरें हैं, कॉलविन के सामने की तस्वीरें हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो शव है उसको SRN भेजा जा चुका है दोनों का। और सामने की आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिखाई दे रहे होंगे वो मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के जो जवान हैं उनको हर जगह तैनात किया गया है। ये लाइव तस्वीरें हैं जो इस समय तकरीबन 1:15 का वक्त है और आप देख सकते हैं कि अभी का नज़ारा यहाँ पर 10 बजे के आसपास इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया गया है, जब अतीक और अशरफ को यहाँ पर 10 राउंड गोलियाँ जो हैं वो मारी गई हैं। यही वो जगह है जहाँ पर अतीक और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए यहाँ पर उनको लाया गया था। और उसके बाद जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है वैसे ही पहले से ही घात लगाए जो हथियारे हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने दोनों की हत्या कर दी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि दोनों का जो शव है वो SRN के लिए लेके गए हैं। आप देख सकते हैं कि फिर से हम उसी स्पॉट पर आ रहे हैं कि जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर भी या फिर गेट पे हम आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस ने भी वहां पर एक रोप लगा दिया है, मतलब कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता है। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बाहरी है वो यहाँ पर ना आ सके और हर एक पहलू की जो है वो जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम आई थी यहाँ से, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से लेकर के गई है और अब देखना होगा कि हत्यारों ने आखिर उनका क्या मकसद था, कि किस वजह से वो जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। हालाँकि हत्यारों ने ये साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी भी हालत में अतीक और अशरफ को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इसी की वजह से उन लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ के सर पर गोली मारी। हालांकि जैसे ही अतीक को गोली मारी जाती है वैसे ही अशरफ उसको देखता है और अशरफ के भी सर पर गोली जो है वो मार दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना जो है वो प्रयागराज में आज देखने को मिली। हालाँकि अगर हम बात करें तो 17 तारीख की शाम 5 बजे जो कस्टडी पुलिस की जो रिमांड है वो ख़त्म हो रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि कल जो है बड़ा जो है खुलासा अतीक अहमद कर सकता था, क्योंकि उसको ये तो डर था कि उसकी हत्या हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से आपको दिखाएं यही वो जगह है जहां से अतीक अहमद और अशरफ दोनों को मेडिकल के लिए यहां पर लाया गया। और अब जो है आप देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप पंजाब की केसरी में देख रहे हैं। हालांकि सामने भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बैरिगेटिंग जो है वो लगा दी गई है। हमने आपको एक छोर की तस्वीर दिखाई है, अब ये दूसरा छोर भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो उसको यहाँ पर बाकायदा आई कार्ड दिखाने की ज़रूरत होगी अगर वो मीडिया कर्मी है, और स्थानीय लोग के लिए यहाँ पर एंट्री नहीं है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही वो बताएंगे कि आखिर किस मकसद से जो पकड़े गए आरोपी हैं या हत्या आरोपी हैं उन लोगों ने किस मकसद से अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर ताबड़तोड़, देखा जाए तो 10 राउंड जो है वो गोलियां लगातार बरसाई हैं और दोनों की ही वहीं पर गिर करके मौत हो गई है। फिलहाल कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। अगर हम शाइस्ता परवीन की बात करें तो शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं, ये भी बातें सामने आ रही थी कि शाइस्ता परवीन अब ज़रूर सरेंडर करेगी, क्योंकि असद को जो उसका 3rd नंबर का बेटा है उसको उसने खो ही दिया था और अब उसने अपने पति को भी खो दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज रात या फिर कल तक शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं। फिलहाल ये मौके की तस्वीरें हैं जो आप लाइव देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे सामने भी आपको दिख रहा होगा कि एक गाड़ी जो है वो बैरिगेटिंग के पास आकर के रुकी है और पुलिस वाले उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद ही उसको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज एक बहुत बड़ी घटना जो है वो प्रयागराज में देखने को मिली है। बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, हालांकि वो मीडिया की गाड़ी है।
जिसकी वजह से उसको यहाँ पर जाने दिया जाएगा। बहरहाल कल अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पकड़े गए हत्यारोपी हैं वो क्या बताते हैं। लेकिन अगर हम उधर अतीक और अशरफ की बात करें तो 17 तारीख की शाम 5 बजे जो पुलिस कस्टडी रिमांड थी वो पूरी होनी थी। कल का दिन बेहद अहम था, परसों का दिन भी बेहद अहम था। कई बड़े खुलासे जो हैं वो अतीक अहमद कर सकता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी आज हत्या कर दी गई है। और ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल को कॉल्विन अस्पताल के बाहर जो है वो तैनात किया गया है। सामने से भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो आपको दिखाई दे रही होगी पुलिस की। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी शाइस्ता परवीन जो है वो सरेंडर करती हैं, और आगे पुलिस के ऊपर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि जब ये पता था, अतीक ने भी ये बताया था कि उसकी हत्या हो सकती है, तो ऐसे में क्यों नहीं उसकी जो सुरक्षा और बढ़ाई गई। हालांकि ये भी यहाँ के लोग कहना है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षाकर्मी नहीं थे, और बहुत करीब से आकर के जो हत्यारोपी थे उन्होंने सर के करीब आकर के जो है कई राउंड फायरिंग की है, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर वदा, पंजाब केसरी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।